हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति खंडन का मामला, जवाहर स्टे हाईवे कई घंटों तक रहा जाम, पुलिस ने किया लाठी चार्ज, सातवें दिन धरना प्रदर्शन ने लिया आंदोलन का उग्र रूप, नागानी, जवाहर हरजी चौराहा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के असामाजिक तत्व द्वारा गत शनिवार को प्रतिमा खंडित किए जाने के सातवें दिन धरने स्थल ने आंदोलन का उग्र रूप ले लिया। डॉक्टर अंबेडकर सेवा समिति के बैनर तले कई संगठनों ने उग्र आंदोलन शुरू किया, जिसमें भीम आर्मी, भीम सेना सहित कई संगठनों के पदाधिकारियों ने समर्थन दिया। सातवें दिन लोगों ने आक्रोश दिखाते हुए कई घंटों तक स्टे हाईवे 38 जाम रखा। भीम सेना के प्रदेशाध्यक्ष गोपाल परमार ने बताया कि पिछले 7 दिनों से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। जब आरोपी नामजद हो गए हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं? उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक सड़क से नहीं उठेंगे। वहीं अंबेडकर सेवा समिति के मूलाराम मेघवाल ने बताया कि पिछले कई दिनों से शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। आंदोलन उग्र होते हुए देख डीएसपी मदन सिंह मैनसाप्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप लोग सड़क से नहीं हटते हैं तो मजबूर हमें बल का प्रयोग कर हटाना पड़ेगा, जिसके कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज के दौरान डीएसपी मदन सिंह, तहसीलदार नीरज कुमारी रही। पुलिस ने लाठी पांचते हुए लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसका जवाब देते हुए दोबारा स्टेट हाईवे जाम किया। भीम सेना के प्रदेशाध्यक्ष गोपाल परमार, भीम आर्मी मोतीलाल हीरागर समर्थन करते हुए लंबे टाइम हाईवे जाम कर रखा। वहीं संगठनों ने मांग की गई जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जागरूक टीवी के नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।